मध्य प्रदेश के देवास जिले के निमावर में नर्मदा तटों पर मंगलवार सुबह से ही आसपास से ही दूर दराज से बड़ी संख्या में महिलाओं का पहुंचना शुरू हो गया था। जहां मीडिया से बात करते हुए एसडीओपी निर्मल सिंह अलावा ने बताया कि निमावर नर्मदा का नाभिकुंड होने की वजह से यहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, क्योंकि महिलाओं का त्योहार होने की वजह से 100 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें से 50 महिला पुलिसकर्मी गोताखोर भी शामिल है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है। तट पर बड़ी संख्या में कार्तिक पूर्णिमा पर नर्मदा स्नान एवं पूजन पाठ करने महिलाएं पहुंची, जहां उन्होंने मां नर्मदा में स्नान कर पूजा अर्चना की। हिंदू धर्म में कार्तिक मास महिलाओं के लिए काफी महत्व माना जाता है। कार्तिक माह में महिलाएं सवेरे उठकर स्नान कर भगवान शालिग्राम की पूजा कर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करती हैं और राधा कृष्ण के भजन भी गाती हैं। मास के पूरे होने पर कार्तिक पूर्णिमा पर महिलाएं नर्मदा तट पहुंचती हैं, जहां मां नर्मदा में स्नान कर भगवान की पूजा अर्चना कर प्रसाद बांटती हैं। उत्सव है और कार्तिकी पूर्णिमा यानी कार्तिक मास के समापन का अवसर है। ये पर्व 5 दिनों का विशेष महत्व रखता है। इसको भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। महिलाएं सुबह से तीर्थ स्थानों में जाकर के स्नान करती है, तुलसी दल बेलपत्र आदि के द्वारा भगवान शिव का पूजन करती हैं, दूध दही पंचामृत के द्वारा। इस प्रकार जो भीष्म पंचक का व्रत करती हैं, कार्तिक मास एक महीना स्नान करती हैं महिलाएं, इससे इस लोक में तो अनेकानेक सुख को भोगती हैं और अंत में परमपर भगवान शिव के लोक को प्राप्त करती हैं। इस कार्तिक मास का विशेष महत्व तीर्थ स्थानों में जाकर के तीर्थ स्थानों में और नदियों में सरोवरों में स्नान करें, वहाँ के जो प्रतिष्ठित देवालय हैं शिवालय हैं वहाँ जाकर के दर्शन करें, वहाँ पूजन अर्चन करें। इस प्रकार से व्रत करने से और कार्तिक मास स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख समृद्धि शांति परिवार के सौहार्द के लिए ये व्रत किया है। नर्मदा जी में जो दीपदान करते हैं, हाँ, विशेष करके कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। कोई एक दीपक लगाती है, कोई 11 दीपक, कोई 101 दीपक भी लगाती हैं महिलाएं, और भगवान श्री हरिहर का मिलाप भी होता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। भगवान शिव को तुलसी दल चढ़ाया जाता है वर्ष में एक बार, और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाई जाती है वर्ष में एक बार, यानी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। ये विशेष पर्व माना जाता है और इस व्रत को करके और मनुष्य भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। ये कन्याएं और महिलाएं जो व्रत करती है, उस व्रत को करने से उनको किस फल की प्राप्ति होती है? को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी जो बच्चियां हैं उन्हें मन इच्छित वर प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से कार्तिक मास के स्नान दान और दीपदान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।